हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली UPSC मेंस की परीक्षा में आने वाले हिंदी पेपर में जो उपसर्ग एवं प्रत्यय आते हैं, तो कुछ अति महत्वपूर्ण उस पर उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, 10 महत्वपूर्ण उपसर्ग एवं प्रत्यय। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ध्यान रहे, पहले शब्द के पहले। संस्कृत में दोस्तों 19 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं 10 उपसर्गों के उदाहरण। तो अतिकाल, अतिक्रमण, अत्याचार, ये दोस्तों अति उपसर्ग से बने शब्द हैं। यानी इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है? अति। या इस तरह से कहें कि अति उपसर्ग से बने 3 शब्द इस प्रकार से हैं। दूसरा दोस्तों, अधिकरण, अध्यक्ष, अधिपति, ये अधि उपसर्ग से बने हैं। अपमान, अव्यय, अपवाद, ये अप उपसर्ग से बने हैं। आरक्त, आकाश, आक्रोश, ये आ उपसर्ग से बने हैं। उत्तम, उत्कंठा, उद्देश्य, ये उपसर्ग से बने हैं। दुर्वस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, ये दुर उपसर्ग से बने हैं। पराजय, पराक्रम, परामर्श, ये परा उपसर्ग से बने हैं। परिक्रमा, परिजन, परिधि, ये परि उपसर्ग से बने हैं। दुकाल, दुबला, ये दु उपसर्ग से बना हुआ है। 29, 19, 59, ये उन उपसर्ग से बने हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय दोस्तों शब्दों के बाद लगते हैं, जो अक्षर या अक्षर का समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। प्रत्यय वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह है जो क्रिया के अंत में लगता है। कोई क्रिया है जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रियाएँ हैं। और तद्वित प्रत्यय दोस्तों ये संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगते हैं। तो दोस्तों क्रिया के अंत में जो कृत जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय द्वारा जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों तद्वित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय प्रयोग होता है उसे तद्वित प्रत्यय कहते हैं, और तद्वित प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे तद्वितांत कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय का उदाहरण। जैसा कि बताया हमने, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। तो पहला एक प्रत्यय है वाला, ये कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगता है। कौन सी क्रिया? गाना। गाना एक क्रिया है, तो ये शब्द बना गाने वाला। तो गाने वाले शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वाला प्रत्यय है। उसी प्रकार हार एक प्रत्यय है और क्रिया है होना, तो शब्द बना होनहार। तो होनहार में कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय है। उसके बाद इया, क्रिया है छलना, शब्द बना छलिया। तो छलिया में कौन सा प्रत्यय है? इया। अगला भाग देते हैं तद्वित प्रत्यय। तो तद्वित प्रत्यय दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है। जैसे आ एक तद्वित प्रत्यय है और संज्ञा है भूख, तो शब्द बना भूखा। यानी भूखा जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आ। फिर त्वा, संज्ञा है गुरु, शब्द बना गुरुत्व, तो गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा। उसके बाद ता, बुद्धिमान, एक विशेषण है दोस्तों, और शब्द बना बुद्धिमता, तो बुद्धिमता कौन सा प्रत्यय है? ता। उसके बाद इत, संज्ञा है फल और शब्द बना फलित, तो फलित में कौन सा प्रत्यय है? इत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।